मोबाइल मोबाइल तुला सांगितलं ना मोबाइल की मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। यस, कैसे हैं सब लोग? हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। यस यस, ओके okay, चलो मेरा आवाज क्लियर आ रहा होगा तो बस थम्स अप कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। यस यस, चलो चलो तो स्टार्ट करते हैं यार। आज नया चैप्टर है, रोटेशनल डायनेमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे अभी। देखो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देख लेंगे बेसिक बेसिक, फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, मजा आएगा। चलिए तो देखो, बेसिक फॉर्मूलाज से स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज मतलब क्या? सबसे पहले तो बहुत बेसिक्स आता है तो जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। एंगुलर वेलोसिटी एक टर्म होता है जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। चलो इसके क्या क्या फॉर्मूलाज थे, जिन जिन फॉर्मूलाज में ओमेगा आता है बेसिक से, सभी फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलो सबसे पहले तो एक रिलेशन आता था वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। अच्छा ये याद कैसे रखना होता है, देखो सबसे पहले लीनियर वाले कुछ टर्म्स होते हैं एंड देन एंगुलर बोलो या सर्कुलर वाले कुछ टर्म्स होते हैं। लीनियर में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए। ओके, देन वही चीज है एंगुलर में, एस के जगह आता है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी के जगह आता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ए के जगह आता है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। बस ये चीजें पता है, और भी एनालॉगी बताऊंगा, इसे इक्वल टू कर देना है, और एक मूवी का नाम है आर आर आर, हो गया। ये तीन रिलेशन याद रखिएगा। तो देखो उसमें का ये एक रिलेशन था, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू ये भी होता है वी डिवाइडेड बाय आर। ओके, देन अगर लीनियर में बात करूं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो इधर भी होगा ना यार, इधर वी है तो इधर ओमेगा आता है, यहां पर एस है तो यहां पर थीटा आता है, और टी तो टी ही होता है। वो एक फॉर्मूला आ गया, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। देखो जस्ट फॉर्मूले बना रहा हूं आपके सामने, याद नहीं करवा रहा हूं, जो फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे उन्हें तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ज्यादा लेक्चर्स होंगे राजू रोटेशनल पर, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी ओमेगा का और एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू देखो क्या है, थीटा अपॉन टी। मान लो कि एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, ऐसे एक सर्कल घूम लिया, इतना एंगल घुमा ये, यहां से लेकर इधर आया और यहां तक पूरा 360 डिग्री घुमा। 360 डिग्री मतलब थीटा का वैल्यू 2 पाई, और उसके लिए जो भी टाइम पीरियड लगा उसे मैं कैपिटल टी कह रहा हूं। ये एक फॉर्मूला हो गया ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। देन 1 बाय टी इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एन होता है, यहां पर वो अगर यूज कर दो तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन। देखो यार कितने फॉर्मूलाज बना लिए इजी इजी वे में एकदम, ये सभी फॉर्मूलाज आप लोगों को पता है।
ओके ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी वाले, देन हम आएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। पहले डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए था सर, यस, बट उसके रिलेटेड कुछ फार्मूले होते हैं इसलिए ये बाद में ले रहा हूँ, ठीक है। ओके 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 चलो अभी देखो, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी होता है, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। यार यही है, उल्टा पुल्टा करके फार्मूला बना बस। देन अभी और भी चीजें, और भी फार्मूलास देखो, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, टू पाई एन। देखो यहाँ पर ध्यान देना, ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एन, और ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी भी होता है, इक्वल्स टू टू पाई एन होगा। यहाँ पे ओमेगा की जगह थीटा बाय टी रखा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू पाई एन टी। हाँ यार बहुत ईजी फॉर्मूला यार, देखिए करेक्ट। देन अभी हम लोग आएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय टी, या आप ओमेगा के जगह पर 2 पाई एन भी पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई इन ब्रैकेट एन 2 माइनस एन 1 डिवाइडेड बाय। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा तो थम्स अप कर दो और जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार। ये क्या आ गया है, बच्चों को लग रहा होगा कुछ नहीं। सर ये चैप्टर टॉपर्स बैच पे कब लोगे, जल्दी ही लेंगे यार, सभी चैप्टर्स होंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलो वेरी गुड वेरी गुड राज, चलिए ओके। चलो अभी देखो, ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ सर्कुलर मोशन के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूलाज तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे आएंगे। जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, मान लो पार्टिकल यहाँ पर है तो पार्टिकल इधर जा रहा है, कभी भी क्या होता है, हम अगर मतलब मैं अगर स्ट्रिंग है और उसे एक स्टोन टाई कर दूं, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, उसे सर्कुलर घुमाने के चक्कर में मैं उसे आगे पुश करने का ट्राई करता हूँ। मान लो ये ऐसे मैंने एक स्ट्रिंग है और उस पर एक पत्थर बांध दिया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमेशा इसे ऐसे घुमाने का मतलब पत्थर को पुश करने का ट्राई करता हूँ। पुश करने का ट्राई करता हूँ मतलब मैं इस साइड में एक वेलोसिटी देता हूँ उसे, यस। इसे ही हम लोग, ये टेंजेंट है ना सर्कल को, इसे ही हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, ओके सर। देन दूसरी चीज, वेलोसिटी अगर कम ज्यादा करो तो एक्सेलरेशन बैठा ही है आने के लिए, तो ये अगर वेलोसिटी को आप फ्लक्चुएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी सर्कुलर मोशन में ये सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, और भी एक एक्सेलरेशन आता है। कैसे सर, क्योंकि एक चीज यहां लिखूंगा, कुछ बच्चों को समझ में आ सकता है, नहीं तो बस ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन में आएगा क्या सर? नहीं, ये कहीं क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा, बट इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाऊंगा 2 मिनट 11th वाले टॉपिक में। अगर यहाँ से आप ऐसे वेलोसिटी देते हो u कुछ एंगल थीटा पर, प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ऐसे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, हमेशा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अचीव करने का ट्राई करती है, तो वो ऐसे जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे होता है, ये वेलोसिटी भी नीचे 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 आने का ट्राई करता है, और ऐसे इसलिए वो पैराबोलिक पाथ होता है। अभी सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एक्सेलरेशन है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है सर्कुलर मोशन के लिए, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अच्छा सर, हमें कैसे समझा कि ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है? देखो, अगर कोई भी रस्सी को या स्ट्रिंग को आप स्टोन टाई करो और उसे घुमाओ, तो क्या होता है, स्ट्रिंग में वो स्टोन को तो आप पुश करने का ट्राई कर रहे हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन
वो स्ट्रिंग को अगर आप हाथ लगाओ तो उसमें आपको एक फोर्स महसूस होता है, ध्यान दीजिएगा। एफ इक्वल्स टू एम ए मतलब आपको स्ट्रिंग में फोर्स महसूस हो रहा है, फोर्स है तो उनका मास भी है, के साथ एक एक्सेलरेशन होना चाहिए ना। मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे घूम रही थी तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा था और एक ये स्ट्रिंग के अलांग भी एक्सेलरेशन आ रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। अभी समझा, फील आ रहा होगा आपको कि हाँ ये ऐसे तो होता है यार, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा अभी देखिए यार कितना एक्सेलरेशन है, दो। उनका अगर अलग से डायग्राम बना हो, ये एसी और ये एटी, इनका रिजल्टेंट किधर होगा, इनका रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, जिसे आप कहोगे ए आर बोलो या ए नेट बोलो। अभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अचीव करने का ट्राई करती है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है, मतलब एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है। देखिए ये मेरा व्हाइट पेन मतलब एक्सेलरेशन है और ब्लैक पेन मतलब मेरा वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन हमेशा इधर रहेगा, हमेशा इधर रहेगा, तो वेलोसिटी इधर 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 जाने का ट्राई करेगा ऐसे, ये सर्कुलर मोशन। बच्चों को फील ही नहीं होता है कि सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है, अभी क्लियर है? फॉर सर्कुलर मोशन, अच्छा उसमें कितने एक्सेलरेशन आए सर्कुलर मोशन में, दो एक्सेलरेशन आए, एक आया एटी और एक आया एसी। अभी ये एटी में और मे नॉट बी जीरो, मतलब ये जीरो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, और इट डिपेंड्स ऑन वीटी। वीटी मतलब क्या, वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। वीटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन एटी जीरो रहेगा, बट एसी नेवर बी जीरो, क्योंकि फॉर सर्कुलर मोशन एसी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म करवाता है, अगर क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन उसका जवाब रहेगा। क्लियर? देखो तीन लेक्चर्स होंगे रोटेशनल के, टेंशन मत लीजिए। और पहले बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है, बुक्स में भी नहीं दिए बहुत सारे, ये सभी चीजें बताऊंगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए देन नेक्स्ट, अभी आऊंगा मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलास के ऊपर। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जिसे एसी से डिनोट किया जाता है, ओके। देन एसी का एक फॉर्मूला याद रखिए, वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा इसका डेरिवेशन भी है बट जरूरी नहीं है सीएटी के लिए, एक फॉर्मूले से हम लोग और दो फॉर्मूलाज बना लेंगे, प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, कैसे याद रखना है ट्रिक भी बता दिया। वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो देखो ये एक फॉर्मूला हो गया, देन वी के जगह आर ओमेगा पुट करो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे एक आर चला गया, इधर बचा आर ओमेगा का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया। अभी और आप कर क्या सकते हो, आप कर ऐसा सकते हो आर इक्वल्स टू आप पुट कर सकते हो वी बाय ओमेगा ए, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो आर इक्वल्स टू वी बाय ओमेगा, ये वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी बाय ओमेगा, ये वी और यहाँ का एक वी गया, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा वी ओमेगा। हाँ ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले बन गए। यस, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे मैं एफ सी पी बोलता हूं, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू ए सी। ए सी मतलब क्या, एयर कंडीशनर नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो एफ सी पी इक्वल्स टू क्या क्या बनेगा, एम इंटू ए सी का पहला फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर, स्क्वायर बाय आर, एफ सी पी का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ये एक फॉर्मूला हुआ। देन आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो एसी के जगह तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा एम वी ओमेगा, तीन फॉर्मूलाज हो गए। चलो मजा आ रहा है क्या, क्या बात है यार, जबरदस्त। यस यस, चलो देन अभी ये तो पता है ना ओमेगा इक्वल्स टू टू पाई एन होता है, तो वो अगर मैं इधर पुट कर दू ना, इधर मतलब किधर सर, ये वाले फॉर्मूला में, तो वो हो जाएगा फोर
पाई स्क्वेयर एम आर एन का स्क्वेयर। ये बात तो सही है सर। देन एक चीज ये भी पता है, एन इक्वल्स टू होता है 1/t। देखो फॉर्मूले रटवा नहीं रहा हो, एक फॉर्मूले से अलग अलग फॉर्मूले बना रहा हो, आपके सामने ही बनते जा रहे हैं फॉर्मूले। एम आर वैसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय 1/t, मतलब टी का स्क्वेयर आ जाएगा फॉर्मूले जैसे इंटरप्रेट। यस क्लियर। चलो देन आगे एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो बेसिक तो सब लोगों को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब टुवर्ड सेंटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। हाँ सर ये तो पता है, लेकिन एक चीज ये भी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है। सूडो मतलब क्या सर? ये हम लोग रियल फोर्स नहीं है, ये रियल फोर्स होता है। ओके देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी आप लिखते हो ना, तो उसे आप क्या लिखते हो? माइनस ऑफ एफसीपी लिखते हो। क्यों? क्योंकि देखिए ना यार, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम सेंटर और सेंट्रीपिटल मतलब टूवर्ड सेंटर। चलो यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। यस करेक्ट, वेरी गुड। फॉर्मूला सेम होता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। करेक्ट करेक्ट। चलो नेक्स्ट अभी आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन के। एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन में इंक्लिनेशन जो होता है ना, इंक्लिनेशन ऑन बैंक रोड। बैंक रोड मतलब क्या? बैंकिंग भी बताऊंगा आपको। इंक्लिनेशन ऑन बैंक रोड मतलब क्या? विदाउट फ्रिक्शन वाला केस है ये, विथ फ्रिक्शन वाला भी देखेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरजी। ओके क्लियर है यहां तक? देन अनबैंक्ड रोड पर मतलब ये किस लिए है वो भी बताऊंगा आपको। ऑन अनबैंक्ड रोड, अनबैंक्ड रोड पर भी आपको क्या फाइंड करना होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब अनबैंक्ड मतलब क्या? सीधा रोड है आपका, उस पर आपको टर्न लेना है, तो वो बैंकिंग नहीं किया। बैंकिंग मतलब क्या होता है? ऐसे रोड होता है या आउटर एज उसका ऊपर रेस कर दिया जाता है, उसे हम लोग बैंकिंग कहते हैं। तो विदाउट बैंकिंग फ्रिक्शन कंसीडर किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है वी मैक्स, मतलब मैक्सिमम ऐसी वेलोसिटी जिससे आप उस रोड पर चल सको, म्यू आर जी। चलो ये तो हुआ अनबैंक्ड रोड वाला केस, ठीक है? यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। देन बैंकिंग ऑफ रोड जो होता है, अभी इसमें दो केस आते हैं लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि भाई क्यों आते हैं दो केस। बैंकिंग ऑफ रोड्स में एक केस आता है मैक्सिमम वेलोसिटी वाला और एक केस आता है मिनिमम वेलोसिटी वाला। बच्चे बस पढ़ लेते हैं इतना मिनिमम चाहिए इतना मैक्सिमम चाहिए, भाई कॉन्सेप्ट भी समझ लो कि क्यों ऐसा चाहिए, ठीक है? देखो ऐसा होता क्यों है कि मान लो ये आपका एक बैंक रोड है, पहले ऐसा सरफेस था, देन आपने थीटा एंगल पर उसे ऊपर उठा लिया, यहाँ पर आपका कोई एक व्हीकल है। होता क्या है कि उस रोड पर फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी आप अगर सिंपली गाड़ी खड़ी कर दो और रोड ऐसा टिल्टेड है, बहुत ज्यादा टिल्टेड नहीं होता है, गाड़ी नीचे आने का डर होता है, नीचे फिसकने का, तो गाड़ी नीचे ना आए इसके लिए क्या चाहिए होता है? कुछ तो कुछ स्पीड से गाड़ी चलती रहनी चाहिए रोड के ऊपर, इसलिए दिया जाता है मिनिमम वेलोसिटी। फिर मैक्सिमम का क्या काम है? ऐसे आपका बैंक रोड होता है, गाड़ी जैसे जैसे चलती है ना, तो गाड़ी ऊपर ऊपर रोड के बाहर जाने का ट्राई करती है, के वजह से फोर्स के वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से, तो उसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट होता है, मतलब बाहर ना जाए रोड के इसलिए मैक्सिमम लिमिट, और अंदर जाके ना हो मतलब अंदर ना चले जाए इनर एज पर, इसलिए मिनिमम लिमिट, ठीक है? अभी इसके फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो आपको बताता हूं। देखो दोनों के भी फॉर्मूलाज जो है ना, दोनों के भी फॉर्मूलाज अंडर रूट में है, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के फॉर्मूलाज अंडर रूट में है। मैं पहले वी मैक्स वाला लिखूंगा और वी मीन वाला हम लोग उससे याद रखेंगे अंडर रूट। कोई बताएगा कमेंट्स में फॉर्मूला?
आर जी बताएगा क्या कोई एक्सबुक वाला ही मेथड खुद का डेरिवेशन? हाँ चलता है, बट वो मतलब प्रोवाइडेड कि सही होना चाहिए, आपका अप्रोच सही होना चाहिए और फार्मूला भी वही आना चाहिए। देखो इधर आता है म्यू एस प्लस टैन थीटा और नीचे आता है म्यू एस टैन थीटा, ऊपर प्लस में लेना है और नीचे क्या लिखना है मल्टीप्लिकेशन में और माइनस में। चलो ये बात खत्म हो गई मैक्स वाली। मीन वाला फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट पूरा सेम है, बट जिधर प्लस है उधर माइनस कर देना, ये सब लोगों को पता है। देखो या प्लस था या माइनस कर दिया, या माइनस था वहां प्लस कर दिया, बात खत्म। ठीक है, देन ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाले केसेस है ना, ये फ्रिक्शन कंसिडर करके है, फ्रिक्शन कंसिडर किया है। देखो ना म्यू एस दिख रहा है, विदाउट फ्रिक्शन भी कुछ है क्या सर? यस विदाउट फ्रिक्शन भी है। विदाउट फ्रिक्शन आता है आर जी टैन थीटा। ओके कुछ नहीं पड़ा है तो अब कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई। निकाल के दिया मैक्स मीन। आप अगर डेरिवेशन पे आ रहे होंगे तो ये बोर्ड्स का लेक्चर नहीं है, वन शॉट वगैरह चलेंगे तो आपको दूंगा मैं डेरिवेशन पूरा दूंगा, लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं है। ठीक है चलिएगा। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉनिकल पेंडुलम के ऊपर। कोनिकल पेंडुलम का क्या होता है टाइम पीरियड? सबसे पहले तो सिंपल और कोनिकल पेंडुलम एक साथ फॉर्मूला याद रखिएगा। सिंपल पेंडुलम मतलब क्या, ये स्ट्रिंग है, इसे यहाँ से पकड़ के रखा है, इधर लेके गया और इधर छोड़ दिया, तो वो इस तरीके का सिंपल मोशन करेगा, सिंपल पेंडुलम कहते हैं इसे। कोनिकल में क्या होता है, ऐसे ही स्ट्रिंग है उसको पकड़ लिया, उसको इधर खींच लिया मैंने और ऐसे सामने फेंका, तो वो सामने फेंकने के बाद सीधा आगे ऐसे नहीं जाता है, पकड़ के रखा है ना यहाँ पे, तो वो ऐसे घूमता है, ऐसे मोशन करता है। ये क्या है? आइसक्रीम का कोन है, कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का और इसका सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी, और सिंपल वाले में ये कॉस थीटा नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मास टाइड टू स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा मास टाइड टू स्ट्रिंग मतलब क्या, ये ऐसे एक अगर स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है, ये स्ट्रिंग को आपने एक मास टाई किया है और वो मास क्या कर रहा है अभी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ। वर्टिकल मतलब ऐसे वर्टिकल सर्कल बनाते हुए घूमेगा वो। अच्छा तो यहाँ पर उसकी एक वेलोसिटी रहेगी, यहाँ पर मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर मैं कहूँगा वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, एंड यहाँ पर ये जो दोनों भी पॉइंट्स है ना, यहाँ पे मैं कहूँगा वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। आपने इमेजिन किया होगा ये कभी, आप अगर ऐसे रस्सी घुमाते हो सर्कल में, स्टोन बांधा हुआ है, तो ऐसे घुमाते हुए जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वेलोसिटी कम होते जाती है, और जैसे नीचे आते हो वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर भी देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना, इधर भी रूट आर जी है, इधर भी रूट आर जी है, और इधर रूट आर जी है, इधर भी वही फॉर्मूला है जो उस साइड होगा। तो यार ऊपर वेलोसिटी सबसे कम होती है, तो याद रखना यहाँ पर कुछ नहीं, वन होता है, यहाँ पे ऑड नंबर थ्री और यहाँ पर ऑड नंबर फाइव, वन थ्री फाइव और यहाँ पर भी थ्री, क्योंकि ये सेम लेवल पर होते हैं। क्लियर? चलिए देन नेक्स्ट आता है इसमें टेंशन। टेंशन तो सर हमें आ ही रहा है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ध्यान दीजिए। अभी यहां पर
क्या बात है यार, जबरदस्त, वेरी गुड राजू, वेरी गुड प्रथमेश, नयन करेक्ट। देखो होता क्या है, टेंशन पूछ लिया जाता है स्ट्रिंग में कोई भी पोजिशन के ऊपर। बोर्ड्स में इस पर टेंशन पर ज्यादा सवाल नहीं आते, बट पीटी में आ सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन किन किन पोजिशन पर हम लोग निकालते हैं, तो टेंशन हम लोग निकालते हैं हाइएस्ट पोजिशन पर, हाइएस्ट पोजिशन पर टेंशन को टी एच बोलूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वेयर बाय आर, एम वी स्क्वेयर बाय आर माइनस एम जी होता है हाईएस्ट पोजिशन पर, और ये एम वी एच होता है, एच मतलब हाईएस्ट पोजिशन वाला, वहां पर देखा है हम लोगों ने वी एच, ठीक है। देन होता है मिड पोजिशन वाला, तो वहां पर मैं बोलूंगा टेंशन एट मिड पोजिशन। टेंशन एट मिड पोजिशन कितना आता है, वो सिंपल आता है एम वी स्क्वेयर बाय आर, और यहां पर होता है एम। अभी लोवेस्ट वाला कैसे याद रखना है, देखो हाईएस्ट में माइनस करना है माइनस, क्योंकि वहां वेलोसिटी कम होता है, याद रखने के लिए हाईएस्ट पे माइनस करना है, मिड पे कुछ नहीं करना है, और नीचे आके प्लस करना है, वेलोसिटी बढ़ता है बढ़ता है, इसलिए प्लस करना है। लोवेस्ट पॉइंट पर एम वी एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है, ओके चलो ये सब चीजें हो गई। देन अभी देखो यार, लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन में कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। तो एक चीज है डिफरेंस इन टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। अभी लोवेस्ट पे टेंशन ज्यादा है ना, देखो ना यहां पे प्लस हो रहा है, वहां पे माइनस हो रहा है, तो टीएल माइनस टी एच कितना होता है गाइस, जल्दी से बता दीजिए, टी एल माइनस टी एच कितना होता है, ये होता है 6 mg। यस, मजा आ रहा है क्या यार लेक्चर में, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। चलो सबसे पहले बेसिक्स अगर मैं जाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वेयर। डीएम मतलब क्या होता है, स्मॉल मास होता है, डीएम मतलब स्मॉल मास होता है, ओके यस, क्या बात है यार जबरदस्त, वेरी गुड। लाइक करो वीडियो को जल्दी से, या इसे आप सिंपली अगर ऐसे भी लिख सकते हो एम आर स्क्वेयर, जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा हूं अभी, कोई भी मैं शेप नहीं कंसिडर कर रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। चलो देन एक चीज आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा डिस्कशन बचा है उस पर। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट किया जाता है के से। मान लो ये एक इरेगुलर बॉडी थी, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था, और इस पॉइंट का डिस्टेंस आर था, और यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा था एम आर स्क्वेयर। चलो मान लिया है, जस्ट एग्जांपल, इसका वैल्यू मिला है 20 केजी मीटर स्क्वेयर इस पॉइंट पर। चलो अगर मैं कोई भी एक्स वाई जेड पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है मान लो 15 केजी पर मीटर स्क्वेयर। देन ये एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर मुझे मिल रहा है यहाँ पर 30 केजी पर केजी मीटर स्क्वायर, और मुझे यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिला 20 केजी मीटर स्क्वायर। अभी हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग है ना इससे, हाँ, और इस पॉइंट का भी डिस्टेंस अलग है। तो ऐसा डिस्टेंस जहाँ पर मुझे यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा उसे मैं कहूँगा के, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दिया मैंने आपको, क्लियर। हाँ समेशन भी होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई फॉर्मूला, ये कोई भी न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
जैसे ये आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है ना, वैसे ही आर के जगह पे के लिख दिया ना, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आता है के स्क्वायर इक्वल्स टू आई बाई एम, और रूट दे दिया तो वो हो जाता है के इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाई एम। बहुत सारे अलग अलग शेप्स का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, कभी कभी रेडियस ऑफ गायरेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरलाइज बेसिक डिस्कशन हुआ, ये डायग्राम तो जस्ट आपको बताने के लिए बनाया था, जो कि मुझे बताना था रेडियस ऑफ गायरेशन। चलिए देन नेक्स्ट डिस्कशन आता है, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक टेबल बना के दूंगा अलग अलग बॉडीज के लिए, टेंशन नहीं लेना है। काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन, अब तक एक सेकेंड कमेंट्स देख लिए जाए किसका किसका डाउट है। अरे फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं क्या, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? हाँ आते हैं, करेक्ट आते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यूज भी लेने वाले हैं यार, थोड़ा बी पेशेंट, पहले रिवाइज कर लो ना। आप लोग बहुत सारे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ऐसे तीन तीन सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते रहते हो, फिजिक्स में 16 चैप्टर्स है और सीईटी में तो 24 चैप्टर्स है टोटल, 16 प्लस 8 11th के मिलाकर, तो इसीलिए रिवाइज करवाना ज़रूरी है, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है दो टाइप की, एक होती है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मतलब वही जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए, बचपन से मतलब 9-10 से, हाफ एम वी स्क्वेयर। देन एक काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल, ये भी हाफ, और एनालॉगी याद रखिए, एनालॉगी मतलब इधर मास होता है लीनियर में, एंगुलर में आओ तो वो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है और वी तो ओमेगा से रिप्लेस होता है। और एक फॉर्मूला आता है देन टोटल काइनेटिक एनर्जी का, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना पड़ता है, और उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करके ये फॉर्मूला मिलता है, हाफ एम वी स्क्वेयर बाहर आ जाता है, देन अंदर बचता है 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। सर एक ही फॉर्मूला है क्या काइनेटिक एनर्जी टोटल के लिए? नहीं, और भी फॉर्मूलाज है, वो भी फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं अभी किसी का, चलो देन नेक्स्ट आता है अभी नेक्स्ट आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम में ही है, कब कौन सा यूज करना है, जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो और वो एक्सिस पैरेलल हो, जिस एक्सिस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे, और वो होता है आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। सिंपली अगर डायग्राम में बनाकर दिखा दूं तो ये कोई एक इरेगुलर बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है, यहाँ पर एक कोई एक्सिस जा रहा है इसका एच डिस्टेंस है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ओ, ये आपको फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देन एक आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कौन से एक्सिस को कैसे ले रहे हो, कैसे मान रहे हो, उसके डिपेंड पे क्या होता है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब एक्स वाई लैमिना के अबाउट जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ओके ये तो सिंपल चीज है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देन आता है एंगुलर मोमेंटम, जिसे एल से डिनोट किया जाता है। एल इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला देखेंगे, पहले लीनियर मोमेंटम होता था पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, एनालॉगी याद रखना है, फॉर्मूले याद रहेंगे, पी के जगह आता है एल, एम के जगह पता है आपको क्या आता है आई, और वी के जगह आता है ओमेगा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हो आई इंटू टू पाई इंटू एन फ्रीक्वेंसी,
ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन के। देन एक चीज आती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता था आप लोग कोलिजन वगैरह में पढ़े होंगे, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो इसमें आप लिखते हो आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू। इसमें वो बैलेट डांसर वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। देन आता है टॉर्क, टॉर्क को आप लोग टाउ से डिनोट करते हो, ठीक है। के जैसे इधर F इक्वल्स टू क्या होता था, M इंटू A होता था, वैसे ही इधर F के जगह टॉर्क आता है, M के जगह I आता है और A के जगह अल्फा आता है। ये हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर यहां तक? क्लियर? चलो अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चे बहुत क्वेश्चंस के लिए पीछे पड़े हैं कि क्वेश्चंस करवाना है, पहले बोल रहे थे, ठीक है। एल कांस्टेंट, ओके। तो हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए और भी मतलब फॉर्मूलाज के लिए मैं ब्लैंक पेजेस छोड़ रहा हूँ, बट अभी हम लोग पहले क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बच्चों की डिमांड है पहले ही कि क्वेश्चंस करवाना थे। हमने बहुत सारे मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए, अभी बचता क्या है पता है क्या? यहाँ पर मैं लिख के छोड़ देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं बताने वाले। अभी मैं थोड़ी देर से आऊँगा, यहाँ पर रोलिंग मोशन एक कॉन्सेप्ट आता है। इस पर थोड़ी देर बाद आऊंगा रोलिंग मोशन के ऊपर मैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेबल भी बता दूंगा आपको। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। भाई ये कौन है असल शेतकरी, और कितना फास्ट लेना है? 30 मिनट में पूरे रोटेशनल डायनेमिक्स के ऑलमोस्ट करीब करीब 80% फॉर्मूलास बता देने के बाद भी आपको लग रहा है अभी भी स्लो है। अभी भी स्लो लग रहा है आपको? दिस लेसन हैव हाई वेटेज। यस करेक्ट, हाई वेटेज है। चलो बढ़ते हैं आगे। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये अभी 2022 के PYQs है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हो ना, 2022 के PYQs है। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए, द स्पीड इज डबल्ड। अच्छा, डबल, ट्रिपल, हाफ, फोर टाइम्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, वन और टू लिख देते हैं। पहले कितना था? पहले स्पीड मान लो v था, अभी 2v हो गया। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन आफ्टर एंड बिफोर द चेंज, पहले एक्सेलरेशन a था, देन a डैश हो गया। अच्छा, और कुछ बोला है क्या? नहीं, और कुछ भी नहीं बोल रहा है वो। सर्कुलर पाथ विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, ओके। ने रेशो पूछा है आपको, रेशो किन किन चीजों का पूछा है? ए टू बाय ए वन मतलब ए डैश बाय ए का रेशो पूछा है, और ए मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यार। ये क्या हो जाएगा? वी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको? आर से आर कैंसिल हो जाएगा। वी डैश मतलब कितना है? वी डैश मतलब यही है, टू वी, 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v स्क्वायर कैंसिल, और 2 का स्क्वायर 4 बाय 1। देखो यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत डेप्थ में क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ, जेई में भी है ये चैप्टर, आता है ये, सेम है, और जेई में अलग अलग चैप्टर है इसका, मतलब एक सर्कुलर मोशन वाला पार्ट अलग है और रोटेशनल वाला अलग है। बोर्ड एग्जाम के बाद सीईटी की तैयारी हो सकती थी, अभी नहीं हो सकती क्योंकि अभी सीईटी थोड़ा सा पहले आ चुका है, इसलिए ये बैच लॉन्च किया गया है आपकी पढ़ाई हो सके। और या अगर आपको और डेप्थ में चलना है तो आप टॉपर्स बैच भी ले सकते हो,
टॉपर्स प्रो बैच चल रहा है अभी उसमें भी। चलिए आगे, अ सॉलिड स्पीयर हैज अ मास m एंड अ रेडियस r। अच्छा, एक सॉलिड स्पीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अभी टेबल बताना बाकी है, बच्चे क्वेश्चंस के पीछे थे इसलिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस पे आया हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। मान लो स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर की बात हो रही है, ये सॉलिड स्पीयर है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था सेंटर से जो कि होता है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी। ओके, और आई सी सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दीजिए कॉमेंट्स में। वो बोल रहा है इसका रेडियस आर है, कोई एक आर बाय टू डिस्टेंस पर एक एक्सिस है, मान लो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ बोल दिया, ये आर बाय टू डिस्टेंस पर है और इसके अबाउट निकालना है। आई ओ इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर पता है हमें। यस, आई ओ आई सी कितना है आप कमेंट्स में बता रहे हो। एम एच मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर बाय टू होता है, यहाँ पे आर बाय टू का स्क्वेयर हो जाएगा। यस, देन ये हो जाएगा एम आर स्क्वेयर बाय फोर। देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड राजू, वेरी गुड दिनकर, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं अभी। करेक्ट है यार, 2/5 एम आर स्क्वेयर, वेरी गुड। एम आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा इसमें से, सिंपली सॉल्व हो जाएगा 2/5 प्लस 1/4। इतना टाइम नहीं लगता है, एलसीएम से इजीली हो जाता है, बट बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसीलिए। 8 8 + 5 13 13 / 20 13 / 20 mr² 13 / 20 mr² Yes. क्या बात है, जबरदस्त। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए हाँ, कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं भाई, कल से पूछ रहा है ये। अ रोड इज 10 मीटर वाइड, एक रोड है जो कि 10 मीटर वाइड है, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है उसका 50 मीटर, द आउटर एज इज अबव द इनर एज बाय अ डिस्टेंस 1.5 मीटर। मतलब ऐसे था पहले, ये इनर एज मान लो, ये आउटर एज मान लो, अभी आउटर एज ऊपर है, कितना ऊपर है आउटर एज, 1.5 मीटर से ऊपर है। दिस रोड इज मोस्ट सुटेड फॉर द वेलोसिटी, ये रोड कौन सी वेलोसिटी के लिए अच्छे से सूट होगा। सबसे पहले तो लेंथ दिया है उसका 10 मीटर, मतलब वाइड है वो उतना, देन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है 50 मीटर, देन इनर एज बाय आउटर एज का डिस्टेंस, मतलब उस रोड का हाइट है ना वो, ना बोला है 1.5 मीटर। ओके, देखो ना, ये इनर एज और ये आउटर एज, ये ऐसे रेस किया गया है 1.5 मीटर से, ठीक है। अपर्स बैच को लिया, थोड़ा बहुत बैकलॉग तो होने ही वाला है, आपको कवर करना पड़ेगा उसका, वो तो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, मतलब बैकलॉग कवर करने के लिए 2023 के एडवांस दो ना। हाँ, चल रहे हैं ना टॉपर्स बैच में, चल रहे 2023 के, उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। यहाँ सिर्फ पी वाई क्यूज 2022 के हो रहे हैं, टॉपर्स बैच में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो रहे हैं, देन दूसरा 2022 2023 दोनों भी पी वाई क्यूज हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ तक तो हो गया। देन वेलोसिटी निकालना होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी के लिए होता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। आर पता है, जी पता है यार, लेकिन क्या नहीं पता है हमें, नहीं पता है टैन थीटा, टैन थीटा नहीं पता है हमें, टैन थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग। ये ऐसे रोड होता है ना, ये इस तरीके से रोड होता है, ये उसका विड्थ हो गया, ये रोड कितना ऊपर है यहाँ से, ये रोड का विड्थ है 10 मीटर्स और ये है 1.5 मीटर्स और ये होता है एंगल थीटा।
यहाँ से टेन थीटा डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है 1.5 डिवाइडेड बाय 10। चलो तो सॉल्व करते हैं यार, अभी फार्मूला है हमारे पास, सभी चीज़ें अंडर रूट में। आर कितना है 50, जी जी होता है 9.8, लेकिन मैं ले लूँगा 10। देखो ऑप्शंस दूर दूर जब भी दिखने लगे तो जी का वैल्यू 10 ले लीजिएगा, ऑप्शंस पास में है तो 9.8 लेना है, ठीक है। इनटू टेन थीटा कितना आया 1.5 डिवाइडेड बाय 10, 10 देन ये जीरो से ये पॉइंट कैंसिल, 15 5 75, रूट 75 नहीं है, 6.5 तो आएगा ही नहीं यार, सवाल ही नहीं आता, 4.5 भी नहीं आएगा, 2.5 भी नहीं आएगा, 8 कैसे समझा, रूट 75, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, उसके बीच में आंसर है, इजी है, क्लियर यहां तक। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेक्चर में मजा आ रहा है, जो लोग फोकस कर रहे हैं, जो चैटिंग करने के लिए आए हैं तो खैर उनको क्या ही बोले, देखो बच्चे भी बढ़ गए, अभी लाइक नहीं कर रहे यार, लेकिन लाइक करो जल्दी से वीडियो को। चलो रिकॉर्डेड भी मिलता है, चलो आगे क्या बोल रहा है अभी देखिए। अ डिस्क ऑफ मास 25 kg, एक डिस्क है जिसका मास कितना है 25 kg, ठीक है, रेडियस है उसका 0.2 meter, इज रोटेटिंग एट 240 rpm। एक डिस्क है जिसका रेडियस दिया है आपको और मास दिया है, वो रोटेट हो रहा है 240 rpm पर। अ रिटार्डिंग टॉर्क ब्रिंग्स इट टू रेस्ट इन 20 seconds, एक टॉर्क है जो कि उसे रिटार्ड कर रहा है 20 सेकेंड में। रिटार्ड मतलब वो डिस्क घूम रहा था, उसका एक्सेलरेशन कम कम होते जा रहा है और वो कुछ एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, उसे रिटार्डिंग कहते हैं। इफ द टॉर्क इज ड्यू टू फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑफ द डिस्क देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स पूछ रहा है, टॉर्क नहीं पूछ रहा है, फोर्स कहां से लाए सर, अब फोर्स कहां से लाया जाए, फोर्स लाने के लिए आपको पता होना चाहिए एफ टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है आई इंटू अल्फा। टॉर्क मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं एकदम, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब आर इंटू एफ आता है और ये होता है आई इंटू अल्फा। चलो अभी यहां पर आई, आई मतलब क्या होता है, एम आर स्क्वेयर, यस ये आर से ये आर कट हो जाएगा, आपको एफ मिलेगा एम आर अल्फा, एम पता है आर पता है अल्फा नहीं पता, अल्फा कैसे निकालोगे भाई, मेरे भाई अल्फा कैसे निकाल लोगे, अल्फा कैसे निकालोगे, यस जल्दी से अल्फा के लिए मुझे, फिर में मजा आ रहा है, यस वेरी गुड, अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा क्या बात है यार, जबरदस्त, वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड। चलो अभी देखो, बस प्रॉब्लम अल्फा का ही आ रहा था ना, तो देखो डिस्क ऑफ मास 25 केजी रेडियस हो गया, रोटेटिंग एट 240 rpm, 240 rpm मतलब rpm मतलब क्या, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अच्छा इसे आपको क्या, किस में कन्वर्ट करना है, इसे आपको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड के अंदर। सबसे पहले तो इसे RPS कर लो, ये हो जाएगा 4 RPS, ये तो RPS हुआ ना, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हुआ, लेकिन इसे आपको ओमेगा इनिशियल अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसे, ये तो क्या आया आपका, ये तो फ्रीक्वेंसी आया ना n, ये होता है 2πn, 2π इंटू n का वैल्यू 4, मतलब ये हो जाएगा 8π रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आया, लेकिन ये आपका ओमेगा इनिशियल आया, ओमेगा फाइनल निकाल लो, जीरो लिख रहे हो सर डायरेक्ट, रिटार्ड हो रहा है 20 सेकेंड के अंदर, रिटार्ड होगा मतलब आके रुक जाएगा इस एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है क्लियर।
ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है। चलो दिन बढ़ते हैं आगे, टाइम भी पता है कितना दिया है, 20 सेकेंड्स। ओके, ये इक्वेशन पता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। सर ये इक्वेशन तो काइनेमेटिक्स 1D का है। हाँ, इसके ही साथ आप लिख सकते हो ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा एफ तो जीरो है, ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू ओमेगा आई कितना है 8π प्लस अल्फा इंटू टी कितना है 20। सिंपली आपको अल्फा मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू निगेटिव आएगा, निगेटिव वैल्यू ओनली सजेस्ट दैट वो रिटायर्ड करवा रहा है। यस, कितना आएगा ये 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया ना यार क्वेश्चन सॉल्व, कैसे सर? देखो एफ इक्वल्स टू एम पता था आपको, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एम कितना दिया था 25, आर आर कितना है रेडियस 0.2 इंटू ये कितना आया 2π/5। दिख रहा है ना क्लियर, इट 2π/5 कट रहा है, ठीक है थोड़ा सा एक मिनट। एम 25 इंटू 0.2 इंटू 2π/5। ओके, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, ठीक है एक स्टेप एक्स्ट्रा, 10 × 0.2π, ये 10 इंटू पॉइंट निकल जाएगा, ये बचा 2π न्यूटन, 2π करेक्ट। यार बी ऑप्शन बहुत बच्चों ने आंसर किया था, करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी फॉर्मूलेज बताना बाकी है, अभी आज का लेक्चर क्वेश्चंस पे ही एंड हो जाएगा शायद, फॉर्मूलेज नेक्स्ट लेक्चर में और वापस से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बी करेक्ट है ऑप्शन। चलिए अभी आराम से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। अ कार इज ड्रिवन ऑन द बैंक रोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर विद अ मैक्सिमम सेफ स्पीड। एक कार ड्रीवन की मतलब चला रहा था बैंक रोड पर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था 20 मीटर्स विद अ मैक्सिमम सेफ स्पीड इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेफ्टी बाय 10%। उसकी सेफ्टी 10% से बढ़ाना है, द इंक्रीज इन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी एंगल ऑफ बैंकिंग एंड फ्रिक्शन इज अनचेंज्ड। तब क्या है पता है क्या, 10% से सेफ्टी बढ़ाना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहली बात तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 मीटर। अच्छा वो फाइनल रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है क्या, कितना बढ़ाना पड़ेगा, द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, मतलब कितना हो जाएगा वही यार, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मान लो पहले v1 इक्वल्स टू कितना था, v था, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देन v2 क्या किया उसने, 10% से बढ़ाना पड़ा ना, क्या करना पड़ा उसे, 10% से बढ़ाना पड़ा, तो v plus 10% ऑफ v plus 10% ऑफ v कितना होता है यार, v plus 10% ऑफ v मतलब v plus 10 by 100 v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 100, 1 × 1 = 10, 1.1 v, v2 इक्वल्स टू आता है 1.1 v, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 × 10 डिवाइडेड बाय 100, 1.1 v, करेक्ट, वेरी गुड, ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते हैं आगे, देन वो पूछ रहा है, v2 तो पता चल गया, देन वो पूछ रहा है रेडियस कितना होगा, फिर रेडियस पूछ रहा है। अभी देखिए रेडियस के लिए क्या फार्मूला आ सकता है, ये फार्मूला है हमारे पास v² = rg tan θ। हाँ थीटा तो सेम है ना दोनों भी केस में, और फ्रिक्शन भी सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रेशियो ले लीजिए, पहले कितना था, देखो थीटा तो थीटा ही है, पहले v था तो v² ले लिया, ये ले लेता हूँ, v2 ले लेता हूँ, ये उसका वाला टर्म हमें फाइंड करना है। देखो जब भी कोई टर्म फाइंड करना होता है ना तो वो न्यूमरेटर में लेना है, सिंपल लॉजिक है, v2² / v1²
is equals to R2 C tan theta divided by R1 C tan theta. Tan theta G से G cancel. V2 कितना है? V2 है 1.1 V का square और V1 है V square. R2 कितना है? नहीं पता, निकालना है. R1 कितना था? 20. चलो अभी सिंपल कैलकुलेशन ही बचा हुआ है यहाँ पर. 1.1 का स्क्वायर, 1.1 दो मिनट मान लो 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121. तो ये हो जाएगा 1.21 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 बाय 20. V स्क्वायर V स्क्वायर कैंसिल, R2 आपको मिल गया 1.21 इंटू 20. सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 12.1 इंटू 2, 12.1 इंटू 2 मतलब 24.2 मीटर. हो गया यार, इतना इजी क्वेश्चन था. देखो डी नहीं आता है, डी नहीं आता है, डी नहीं आता है बेटा. सी आंसर आता है, सी. अच्छा फिर भी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंक्रीज कितना कर रहे हैं? इंक्रीज कितना कर रहे हैं? 24.2 माइनस 20, इंक्रीज कितना हो रहा है? 4.2 मीटर्स का इंक्रीज हो रहा है. भाई ऑप्शंस तो ऐसे दे रखे होते हैं ना कि आप सभी ऑप्शंस को टिक कर दो सही से. हाँ वेरी गुड भावेश, करेक्ट. इंक्रीज बोला है, करेक्ट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वाओ, तो चलो टाइम हो चुका है. हाँ लेकिन आप नहीं बता रहे थे, करेक्ट. इंक्रीज पे ध्यान ही नहीं गया. ओके ओके, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए तो आज यही रुकेंगे हम लोग. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो.